हेलो गाइज, पिछले कई सालों से लोग तरह तरह के नशे करते आ रहे हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, भांग, सुल्फा आदि। लेकिन आजकल ई सिगरेट बहुत फेमस हो चुकी है। ई सिगरेट, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो बैटरी के करंट से चलती है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो फ्लेवर लिक्विड को भाप में बदलता है। ई सिगरेट में एक केमिकल होता है जिसका नाम डाई एसिटाइल होता है, जो इनहेल करना बहुत खतरनाक होता है। ई सिगरेट को किसी तरह की माचिस की जरूरत नहीं होती और ना ही इसमें कोई तंबाकू डलता। ये सिगरेट कई प्रकार की अलग अलग शेप में आती है। चलिए अब आपको ई सिगरेट की वर्किंग के बारे में बताते हैं। ई सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बॉडी कवर के बाहर एक पुश बटन लगा होता है, जिसको यूजर स्मोकिंग करते हुए दबाता है। इस सिगरेट की बैटरी कई दिन तक चलती है और इसके साथ एक चार्जर भी आता है जो इस सिगरेट को चार्ज भी कर सकता है। ई सिगरेट के मुख्य तीन पार्ट होते हैं, नंबर एक बैटरी, नंबर दो एटोमाइजर, नंबर तीन कार्ट्रिज। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के सबसे पहले भाग बैटरी के बारे में बात की जाए तो इसमें लिथियम बैटरी डलती है जो रिचार्जेबल होती है, जिसको एक चार्जर के द्वारा चार्ज किया जा सकता है और ये बैटरी 7 से 8 दिन तक चलती है। अगर एटोमाइजर की बात की जाए तो एटोमाइजर में ही स्मोकिंग लिक्विड डाला जाता है। इस लिक्विड में कॉटन और फाइबर ग्लास की परत बनाकर डुबाई जाती है। इस लिक्विड में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वेजिटेबल ग्लाइसरीन और कुछ मात्रा में निकोटिन भी मिलाया जाता है। जब बैटरी का बटन दबाया जाता है तो कॉटन और फाइबर ग्लास के चारों तरफ लिपटी हुई वायर गर्म होने लगती है। उस वायर के गर्म होने से गीली कॉटन में मौजूद लिक्विड भाप में बदलकर कार्ट्रिज के रास्ते यूजर के मुंह में चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का कार्ट्रिज ही वो भाग है जिसको यूजर यूज करते हुए अपने मुंह में डालता है और शक करता है, जिसकी वजह से जो वेपर होते हैं उसके मुंह में चले जाते हैं और वो धुएं जैसे दिखते हैं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि 2003 से पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट नहीं थी। 2003 में ही सबसे पहले चाइना वालों ने इस सिगरेट का आविष्कार किया था और ये ई सिगरेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, इसलिए सरकार ने इस सिगरेट के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये सिगरेट अभी तक चलती आ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।